أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجهم। अज़ीज़ तलबा तलबात, मुझे उम्मीद है कि आपने पहले दो लेक्चर्स बखूबी सुने भी होंगे और आपको जो असाइनमेंट्स दी जा रही हैं आप उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट भी कर रहे होंगे, और उन असाइनमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने रिस्पेक्टिव कैंपसेस में जाकर अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर से मिल सकते हैं, वो आपको उसके मुतालिक गाइडेंस भी दे देंगे। बेटा, ये जो समर कैंप है ये दरअसल आप लोगों के लिए एक ट्रायल मेथड है कि आप लोग देखें, हमारे कॉलेज के निज़ाम को समझें, इसको परखें, और अगर इंशाल्लाह ताला आपको ये निज़ाम अच्छा लगता है तो हम इंशाल्लाह ताला एक रेगुलर सेशन की तरफ मूव करेंगे। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, जैसा कि आप सब बच्चों को पता है हम प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स को हम पढ़ रहे थे, और अब जो है मेरा बेटा बारी है कि उस प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स को हम नेक्स्ट मूव करते हैं। और आपको ये भी पता है कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर जो है हम उसे कवर कर रहे हैं इस वक्त। इस फर्स्ट चैप्टर के तसलसल को आज हम बरकरार रखते हैं अज़ीज़ तलबा तालिबात, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आपके ये वाला लेक्चर बखूबी समझ आएगा। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमारा आज का टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस एक बहुत अहम टॉपिक है आपका, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर के ऊपर भी कंसीडर होता है, ख़ुद आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन जो है वो मौजूद है मेरा बेटा। अज़ीज़ तलबा तालिबात, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस की खसूसियात, आपके बुक का पेज नंबर है बेटा 6, ये पेज नंबर 6 के ऊपर मौजूद है। इसकी कुछ खसूसियात हैं, पहली खसूसियत है बेटा इसकी गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को उर्दू में कहते हैं बेटा अशियाओ खिदमात। इसके बारे में जरा हम बुक से पढ़ते हैं बेटा। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्केल, कहते हैं उसके पैमाने को नजरअंदाज करते हुए, एवरी बिजनेस डील्स विद द सेल, हर कारोबार का जो ताल्लुक है वो सेल्स के साथ है। परचेज, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। अज़ीज़ तलबा तालिबात, वो कहते हैं कि हर एक कारोबार का जो महवर मरकज है वो क्या है, उसकी सेल है, परचेज है, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज है। सो यानी हर कारोबार में कुछ तीन बातें जो हैं बेटा वो होती है, सेल, नंबर टू परचेज, नंबर थ्री उसकी प्रोडक्शन। अज़ीज़ तलबा, ये प्रोडक्शन, सेल और परचेज हर कारोबार का जो है ये वाइटल पार्ट है। वाइटल पार्ट से मुराद ये हर कारोबार का अहम जुज्व है। अगर ये किसी कारोबार में मौजूद नहीं होगी तो वो कारोबार जो है वो फर्दर नहीं चल सकेगा। सेकंड, वो कहता है फॉर दिस पर्पस देयर आर मैनी फैक्ट्रीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, डॉक्टर्स, लॉयर्स एटसेट्रा, कि इस मकसद के लिए एक कंपनी जो है वो पूरी एक टीम को हायर करती है और उस टीम के अंदर ये मजीद जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हायर किया जाता है। सेकंड, किसी भी कारोबार की जो करेक्टरिस्टिक है अज़ीज़ तलबा तालिबात वो क्या है बेटा, सेकंड करेक्टरिस्टिक है प्रॉफिट। और इसको बुक वाले ने लिखा है कि उसकी सेकंड करेक्टरिस्टिक है प्रॉफिट मोटिव। व्हाट इज मेंट बाय द मोटिव, बाय वर्ल्ड मोटिव वी मीन द पर्पस। प्रॉफिट मोटिव है, मैंने आपसे पहले भी ये बात को डिस्कस किया था मेरे बच्चों, कि देखिए कोई भी शख्स किसी भी कारोबार को जब वो रन करता है उसके पीछे उसका जो मकसद है बेटा वो मुनाफा कमाना है। यस,
rendering of services is an integral part of the business, but the profit distribution and the profit earning is also one of the most important part of the business. Without profit, no one can survive in the whole society. इसीलिए वो कहते हैं कि बिजनेस की दूसरी करैक्टरिस्टिक क्या है बेटा, प्रॉफिट मोटिव, यानी कि अजीज तलबा मुनाफा कमाना हर कारोबार का मकसद है। और ये बात हमारे कॉमर्स में स्टिल दिस इज एन अंडर डिस्कशन कि जो लोग कहते हैं कि जो एनजीओज हैं दे आर नॉट फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे आर फॉर नॉट फॉर द प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए मेरे बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप उन लोगों को भी देखें तो उनका मकसद भी क्या है बेटा, मुनाफा कमाना है। दे आर ऑल्सो मीन्ड फॉर द प्रॉफिट मेटिव। देखिएगा जरा अपने पेज नंबर 6 की तरफ देखिएगा, हेडिंग नंबर 2 है, लाइन फर्स्ट है, अब बिजनेस इज नॉट द चैरिटी, जो कारोबार है वो चैरिटी नहीं है। व्हाट इज मीन्ड बाय द चैरिटी, चैरिटी मीन खैरात। Earning of profit and acquiring of the wealth are the primary objective of every business. यानी कि earning of profit, इसमें पहला मकसद क्या है बेटा, earning of profit. Earning of profit is the first motive of the business and acquiring of the wealth. Acquiring से क्या मुराद होता है बेटा, acquiring से मुराद होता है किसी को अपनाना या किसी को अपने पास ले लेना बेटा। कहता है कि दौलत को ले लेना और मुनाफा कमाना हर कारोबार का जो है वो बुनियादी मकसद है। इफ़ एन एंटरप्राइज डज नॉट हैव द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, अगर किसी एंटरप्राइज का मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, इट वुड नॉट बी अ बिजनेस, तो वो कारोबार नहीं है। मोर ओवर इफ अ बिजनेस डज नॉट अर्न प्रॉफिट देन इट कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, अगर कोई कारोबार ज्यादा मुनाफा नहीं कमाता तो इट्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो एक देर पा कारोबार के लिए नहीं चल सकता। तीसरा है बेटा एलिमेंट ऑफ रिस्क, द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। व्हाट इज मेंट बाय द रिस्क, रिस्क इन इटसेल्फ इट मींस अनसर्टेनिटी, means the things which are not certain, यानी कि chance of loss, यानी कि probability of getting the loss। हमारे यहाँ commerce में एक बहुत ज़्यादा जो मशहूर और मारूफ मकाला है वो कहते हैं कि higher the risk, higher will be the return, कि यानी कि जितना ज़्यादा risk होगा उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न होगा। और ये बात नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी ये बात जो है वो सही साबित होती है, जितना ज्यादा रिस्क लेंगे आप उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न भी मिलेगा। अब रिस्क क्या है बेटा, रिस्क ये है कि कारोबार में मुनाफा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। 12 महीने का कारोबार है अगर तो 6 महीने प्रॉफिट हुआ है तो कोई बईद नहीं है कि अगले 6 महीने भी प्रॉफिट हो, उसमें लॉस भी हो सकता है। अगर एक इंसान सिर्फ रिस्क का पहलू जहन में रखेगा और उस फिर इससे कोवर्डनेस अपने अंदर पैदा हो जाएगी, बुजदिली, वो अगर वो बुजदिल हो जाएगा मेरा बेटा तो फिर वो बिजनेस नहीं कर सकेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ बिजनेस मैन तो यू मस्ट बी अ रिस्क लवर। तीन कैरेक्टरिस्टिक होती है इंसान की बेटा, एक होता है रिस्क सीकर, यानी कि जो शख्स रिस्क लेना पसंद करता है, एक शख्स होता है उसे कहते हैं रिस्क एवर्सर, यानी कि जो रिस्क से बचना चाहता है, और एक शख्सियत होती है ही इज नोन एज रिस्क न्यूट्रल, जो कभी कभार या तो रिस्क लेता है या रिस्क लेने से बचता रहता है, यानी कि इनके दरमियान में ही रहता है, कभी रिस्क लेता है और कभी रिस्क नहीं लेता। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा मैनेजमेंट। बाय मैनेजमेंट वी मीन इंतजामिया। देखिए अजीज तलबा तालिबात,
अगर किसी भी इदारे की मैनेजमेंट नहीं है, दैट बिजनेस कुड नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इफ एनी इंस्टीट्यूशन वॉन्ट टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग, ही शुड बी गुड इनफ इन मैनेजमेंट. उसकी मैनेजमेंट जो है, ही मस्ट बी अ वेरी गुड. मैनेजमेंट इज द बैकबोन ऑफ ए बिजनेस. मैंने आपसे जैसे पहले कहा, वही बुक वाले ने कहा कि मैनेजमेंट क्या है. मैनेजमेंट इज अ बैकबोन ऑफ ए बिजनेस. रीढ़ की हड्डी है कारोबार की. एवरी बिजनेस इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड नेचर हैज मैनेजमेंट टू मैनेज एंड कंट्रोल द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसका काम क्या है कि उसने मैनेज भी करना है. उसका काम क्या है बेटा कि ही हैव टू मैनेज एंड कंट्रोल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? डिड यू स्टडी इन इकोनॉमिक्स? डिड यू? ओके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है बेटा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार हैं. फर्स्ट वन इज लैंड, अदर इज लेबर, द थर्ड इज कैपिटल, एंड द फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशन. कहते हैं कि जो मैनेजमेंट इन चार को कंट्रोल कर लेगी, इफेक्टिव कंट्रोल कर लेगी, दैट मैनेजमेंट वुड बी कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ दैट वेरी ऑर्गेनाइजेशन. द कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट यू कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम. एंड यू आर लुकिंग एट द पेज नंबर 7. सी द स्टूडेंट, सी हियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पेज नंबर 7 एंड द डायग्राम ऑफ मैनेजमेंट इज देयर. द फिफ्थ पॉइंट इज कैपिटल. द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज कैपिटल. बाय द कैपिटल वी मीन सरमाया. अजीज तोलबा और तालिबात, जिस ऑर्गेनाइजेशन में सरमाया नहीं होगा, डेट ऑर्गेनाइजेशन कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग. फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स द कैपिटल. लेट्स हैव अ लुक ऑन द बुक. कैपिटल इज अ बेसिक एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. क्या है बेटा कैपिटल? कैपिटल इज द बेसिक एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशन. No person can even imagine carrying on the business without capital. कहते कोई भी शख्स consider नहीं कर सकता कि कारोबार हो और सरमाया ना हो. In case of the shortage of the funds, the owner may obtain loan from the friends, relatives and the financial institutions. यानी कि बेटा, अगर आपके पास capital नहीं है तो आपके पास friends हैं, arrange कीजिए उनसे. Relatives हैं, यानी कि आपके रिश्तेदार हैं. Last but not the least, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं एंड दे आर सपोर्टिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट नाउ अडेज. एज यू नो दैट देयर आर लॉट ऑफ द लोन स्कीम्स आर अवेलेबल हियर. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. दिस इज एम्प्लॉयमेंट. नंबर 6 कैरेक्टरिस्टिक इज एम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज मेंट बाय एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट मीन the person who is employed there. A business is expected to provide the means of livelihood of the members of the society. कि जो business है वो members of the society को रहन सहन के लिए पैसे मुहैया करती है. Thus, a business is not only a good source of employment for its owners, but also offers variety of the jobs with other people like the agents, transporters and the bank. एक पूरे chain होती है employment की. 7 है बेटा regular transactions. The 7th characteristic is regular transaction. देखिए अजीज तोलबा और तालिबात, what is meant by the transaction? आप लोग accounting पढ़ रहे हैं, chapter number 1 में आपने transaction की definition भी पढ़ी होगी. और उस transaction क्या है बेटा? पैसे का लेन देन है. कोई भी कारोबार जो है remittances की बुनियाद के ऊपर चलता है. कोई भी मुल्क, sorry, remittances की बुनियाद के ऊपर चलता है. अगर उस मुल्क के लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है ट्रांजेक्शंस देंगे, उस मुल्क का सर्वाइवल ज्यादा होगा. सो अ बिजनेस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ द डीलिंग. अ सिंगल ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड अ बिजनेस. फॉर इंस्टेंस, इफ अ स्टूडेंट सेल्स हिज वर्क टू द शॉपकीपर टू अ स्टूडेंट, इट्स नॉट अ बिजनेस. 8वां पॉइंट है बेटा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. क्रिएशन ऑफ
utility. What is meant by this point? Let us have a view on the book. It's an economic term. It refers to debt characteristic of a certain commodity which can satisfy any human need and want. A business creates utility in different goods and services which deliver satisfaction to the entire society. Ninth point hai beta, transaction for a price. By the term transaction for a price, we mean ke everything wants a transaction or uske liye price. If a business, goods and services are produced or exchanged for some consideration, if there is no sale, transfer or exchange for the price, it will not be a business activity. Yani ki agar har cheez free hogi to uske liye koi business activity nahi hogi. Dasma point hai beta, reasonable profit. रीजनेबल प्रॉफिट समराज ये है कि बेटा जैसा कि इस्लाम भी कहता है कि यू मस्ट नॉट ह्यूमिलेट द अदर वंस, कि आपको दूसरों की ह्यूमिलेशन नहीं करनी है. एक रीजनेबल हद तक आपने मुनाफा कमाना है. एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, बिजनेस इज नेम ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ द आइडियाज. आई थिंक सो देयर इज एन एरर इन द पेन. Yes, the pen is not moving. Khair behal, exchange of the ideas. 11th point hai. 12th point hai beta, creating the customers. 12th point is creating the customers. 13th is innovation. 14th is services of the middleman. And the 15th is culture. Ye tamam tar beta characteristics hai business ki. Aapko ye assignment mein bhi ye wala sawal diya gaya hai. Mujhe umeed hai ki aapko aaj ka lecture bakhoobi samajh aaya hoga. कोई भी दिक्कत और परेशानी की सूरत में आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से मिल सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.